हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए, इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया। ले क्या है ये मिर्दा, कुछ नहीं है मिर्दा, पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं। सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का, और अब बड़ा दम भरते हैं, मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। मंच के माध्यम से ज्योति मिर्दा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो। और जहां कहीं जाते हैं, फड़फड़ाहट बहुत हो रही है जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनको लगा कि अब तो, क्योंकि यहां कोई खींवसर के अंदर कोई जादूगर की जादूगरी का मुद्दा नहीं है। अभी गजेंद्र सिंह जी ने एक बात बोली थी कि शायद ज्योति जी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे अच्छा फैसला अब लिया। मैं कहूं गजेंद्र सिंह जी साहब, इसके लिए भी धन्यवाद आपकी पार्टी को, कि यह फैसला आपकी पार्टी ने लिया कि वो ज्योति मिर्दा को लेकर के आए। और बड़े मान सम्मान आदर सत्कार के साथ में पार्टी के सदस्य के रूप में आज आठवां दिन है जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है, और इतने मान सम्मान के साथ में सभी जगह स्वागत आदर सत्कार मनवार हुई है, उसके लिए मैं इस परिवार की हमेशा ऋणी रहूंगी। 2009 में आपने मुझे मौका दिया था नागौर का नेतृत्व करने का लोकसभा में। मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान बहुत सी ऐसी क्षेत्र की समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी, महिलाओं की समस्याएं थी, दवाइयों से संबंधित समस्याएं थी, जिनको समय समय पे लोकसभा में उठाया और उनके ऊपर कार्रवाई करवाई। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जब आप किसी नेता को ताकत देकर के भेजते हो तो उसका काम सिर्फ शोर मचाने का या आवाज उठाने का नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस बारे में वो बात करे उसका नतीजा आप लोगों के सामने लेकर के आए। नागौर में सबसे ज्वलंत समस्या थी पीने के पानी की, और बाबा का एक अधूरा सपना था कि लिफ्ट कैनाल का पानी आना चाहिए। फेज वन का पानी 3 तहसीलों में आ गया था, लेकिन फेज 2 के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए था। मैं पहली बार की सांसद थी और दिल्ली में जाकर के कहीं कहती थी कि इतने सारे पैसे चाहिए, कहते थे कैसे मिलेंगे। मैंने कहा ये तो मैं लेकर के जाऊंगी, कैसे ले जाऊंगी, वो तुम मुझे रास्ता बता दो। और आप लोगों के आशीर्वाद से बाबा का वो अधूरा सपना पूरा हुआ। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास करा करके लेकर आया, नागौर की बची हुई तहसीलों के अंदर आज इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी आ रहा है। मैं जहां कहीं जाती थी भाषणों में लोग याद किया करते थे कि बाबा ने ट्रॉली टैक्स माफ कराई। मेरे टाइम पे ट्रैक्टरों पे कमर्शियल टैक्स लगने लग गया था। मुझे जैसे ही बजट में पता चला, उस टाइम प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने उसी दिन लोकसभा में ये मुद्दा उठाया और अगले दिन उन्होंने घोषणा करी कि इसको वापस ले लिया जाएगा। अस्पताल का काम हो चाहे दवाइयों को सस्ती कराने का काम हो, एक सांसद से जो आप उम्मीद करते हो वो जिम्मेदारी मैंने वहां पे अपनी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करी थी। अब जो बात परिवर्तन की आप लोग सब मंच पे बैठ के कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस परिवर्तन की अगर सबसे ज्यादा कहीं पर 200 विधानसभाओं में जरूरत है तो उस वो जरूरत है खींवसर में, क्योंकि यहां कोई खींवसर के अंदर कोई जादूगर की जादूगरी का मुद्दा नहीं है। यहां हमारे बहुत भरे मन से बोलती हूं मैं कि हमारे समाज की दलाली टाइप की चल रही है। हमारे नेता आज भी आपके जो यहां पे विधायक हैं वो बीजेपी के साथ में मिलकर के और विधायक बने। आज जो सांसद हैं वो 24 में से बीजेपी ने एक सीट छोड़ी थी और उस पे चुनाव लड़ करके और सांसद बने। और जहां कहीं जाते हैं, फड़फड़ाहट बहुत हो रही है जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनको लगा कि अब तो मामला भारी हो गया, तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बयान दिए जैसे वो अक्सर किया करते हैं। एक भाषण में बोले, एक टीवी इंटरव्यू में बोले क्या है ये मिर्दा, कुछ नहीं है मिर्दा,
पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं, इसके दादा बदल लेते थे, इसने बदल ली, इसे परी पार्टी कर दी। अरे आप जिस परिवार से आते हो, आप जिस खानदान से आते हो, रामदेव जी ने आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया। पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, दूसरा चुनाव कांग्रेस अर्श से लड़े, तीसरा चुनाव लोकदल से लड़े, चौथा चुनाव जनता दल से लड़े, और पांचवा चुनाव लड़ने के लिए जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया और वो चुनाव कैंसिल हुआ। हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए तो पहला चुनाव इनलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया, भाई साहब चुनाव तो आपने दो लड़े हैं, 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव, ताकि ज्योति मिर्धा के वोट बढ़ सके और कहीं ऐसा नहीं हो ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए, पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो चार टायर जो थे ना जो लेकर आए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। फिर उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, बीजेपी का तो भीड़ू बनने में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो गहलोत साहब की है, और अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का, और किसी को छोटे मोटे जो पुलिस में काम चलते रहते हैं, बोले ये काम तो रुक गए अब क्या करें, तो उन्होंने कहा काम नहीं चलेगा। जितने में जो हमारी सरकार थी वो दो हिस्सों में बट गई और एक टांग पे आ गई, सरकार गिरती सी दिखी तो लपक करके बीजेपी का दामन छोड़े हुए अपने 3 MLA को लेकर के और गहलोत साहब के चरणों में जाकर के पड़ गए कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सरकार अगर हिलेगी ना तो वोट मैं दूंगा। तो कभी तो कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था सचिन पायलट जी का, कभी कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था अशोक गहलोत जी का, और अब बड़ा दम भरते हैं मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में, मंच के माध्यम से ज्योति मिर्धा चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ये जो अंदर की घालमेल की राजनीति है, इसमें आप जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो। ज्योति मिर्धा आप जानते हो, जब यहां पर हरिंदर जी खड़े हुए थे बाय इलेक्शन के टाइम पे, हम चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे, मैंने ईमानदारी से अपना प्रयास किया था कि मेरी पार्टी जीते, उस टाइम मैं कांग्रेस में थी। हरीश चौधरी जी प्रभारी मंत्री थे और आपने उन्होंने बयान देखा होगा क्या बोले थे कि ज्योति मिर्धा को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया था। और ये खामियाजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं तो बीजेपी में आ गई, शायद आप लोगों की बात आगे रख सकूं, अगर आप मुझे ताकत दो मौका दो तो हो सकता है कि मैं आपके काम आगे करा सकूं। लेकिन सावचेत रहना है, और सावचेत क्यों रहना है, क्योंकि ऐसी रणनीति कई विधान सभा क्षेत्रों के अंदर रिपीट करने की बात चल रही है। मुझे लगता है कई ऐसे नेता हैं, विशेष तौर से हमारे समाज के नेता हैं, जो लाइन में आए हुए हैं जहां पे दलालियां खा करके और उनको हरा करके, और जो कहते हैं ना कि भाई कोई लीडर ही मत बनने दो। आप लोगों ने देखा है कि क्या पिछले कुछ समय में लोग मुझे कहा करते थे कि भाई बीजेपी ऐसी है बीजेपी वैसी है। मैंने बीजेपी के अंदर आकर के देखा है, खूब मान सम्मान देते हैं, स्वर्गीय नाथुराम जी को आज जितने भाजपा के लीडर्स ने मान सम्मान दिया है उतना शायद आज कांग्रेसी भी याद नहीं करते। और मैं बहुत गर्व से इस मंच पर खड़ी होकर के कहती हूं कि आज इस पार्टी के अंदर आकर के मुझे एक सेकंड के लिए भी अटपटा नहीं लगता, मेरा सीना चौड़ा होता है जब मैं यहां पर बैठ करके और भारत माता की जय बोलती हूं, भारत माता की, क्योंकि हम सब ले दे करके इस भारत देश के अंदर रहने वाले भारतीय हैं। ये कौन सी पार्टी है, इस पार्टी के लीडर कौन है, इस पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं।
हम तो चुनाव हारे उनकी वजह से, आंधियों में दो बार घुड़ गए। हाँ बीजेपी, मैं कह रही हूं सब मान रहे हम तो, लेकिन जो साख हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की पूरी दुनिया में बढ़ाई है कि जो हमें वीजा देने के अंदर किंतु परंतु करते थे, उन देशों के राष्ट्रपति आ जा करके और हमारे यहाँ पे बहुत आदर सत्कार के साथ में भारतीयों की तरफ और भारतीयों की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। G20 का भी दिल्ली में आयोजन हुआ था, मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम, और देखना था क्या दुनिया के कौन से देश के नेता नहीं आ रखे थे वहां पे। तो भाई अगर कहीं पे भारत का मान बढ़ता है तो भारतीय का मान भी तो बढ़ता है, हम भी तो भारतीय हैं, खीव सर में बाद में आते हैं पर है तो पहले भारतीय। अपने देश की साख बढ़ती है तो किसको अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा लगता है। ये किंतु परंतु बातें करते हैं। कांग्रेस एक जमाने में एक अलग पार्टी हुआ करती थी, उसमें कोई दो राय नहीं, उनकी सोच अलग हुआ करती थी। आज उस पार्टी में जैसे बीजेपी में बहुत बदलाव आया है, वैसे कांग्रेस में भी बहुत बदलाव आ गया है। और मुझे लगा कि समय के साथ में इस देश के लिए अगर मुझे राष्ट्र निर्माण का कहीं काम करना है तो इस पार्टी के इस मंच से बेहतर कोई मंच नहीं मिल सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है तब से मेरे जितने कार्यकर्ताओं के, मेरे साथ रहने वाले मेरे साथियों के जितनों के फोन आए हैं, सभी ने मुझे बोला कि ज्योति तूने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का और आग्रह करना चाहती हूं उनसे कि कंधे से कंधा मिला करके बीजेपी के इस नए परिवार में जिसमें मैं शामिल हुई हूं, मैं मेरा पूरा जीवन लगाऊंगी यहां पर, पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए प्रयास करूंगी। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक मिनट का समय हम लगाएंगे और जब परिवर्तन आएगा तो उसका नतीजा हमें खींवसर में भी देखने को मिलेगा, उसका नतीजा हमें नागौर में भी देखने को मिलेगा, उसका नतीजा हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा और उसका नतीजा हमें 2024 में दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो जब चुनाव का समय आएगा उस टाइम आकर आप लोगों से लंबी बातें करेंगे, लेकिन इस बार सावचेती रखनी है। सबसे जरूरी एक चीज ध्यान में रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी, कई लोग हैं जो मंच पर है जो प्रयास करते हैं कि टिकट मेले में हमें ये अंदर की जो राजनीति चलाते हैं ना कि दो जाट को खड़ा कर दो, फिर बीच में एक राजपूत को कह देंगे वो वोट बांट देगा बीजेपी के और ऐसे करके हम चुनाव जीत जाएंगे, ये जो केमिस्ट्री बिठाते हैं, मुझे पता है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में कोई ऐसे राजनीति नहीं सिखा सकता जितना कि राजस्थान के अंदर, छोड़ो नागौर के अंदर, और नागौर में भी खींवसर के अंदर, वो भी खींवसर में भी थड़ी का आदमी जितना राजनीति समझता है। दिल्ली में बैठ के कोई बात करके निकलते हैं ना, कहते हैं यार टाबर कटे जल में बने पानी, तो नागौर को टैंकर को पानो चाहिए कि जायो जल में नेता पैदा हुई। तो इस बार हमें ये सजग रहना है और पार्टी की टिकट लेकर के जो भी हमारे बीच में कैंडिडेट आता है, हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक क्षेत्रीय दल बना करके, जो हमारे विशेष तौर से हमारे समाज के साथ में जो दलालियां करी जा रही है, जो हमारे युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है, जो अवैध धंधों में उनको फंसा करके और उनके रास्ते गलत रास्ते पे उनको चढ़ाया जा रहा है, इस सब के लिए एक रोकथाम हो सके और हमारा जो समाज है वो भी आगे बढ़ सके, मिलजुल के सबके साथ आगे बढ़ सके। आज आपने देखा हमारे बीच में पीर साहब, बड़े पीर साहब ने भी आज बीजेपी ज्वाइन करी, ये एक और उदाहरण है। कांग्रेस के ही एक घटक दल, इंडिया के जो घटक दल थे, साउथ के हैं शायद, पता नहीं समझते कम है क्या, कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे, वो क्या एड्स है, कैंसर है और पता नहीं क्या क्या बता दिया, डेंगू मलेरिया है, इसके वैक्सीन बनाओ। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको कहता है आओ, किसी को नहीं कहता कि आपके लिए हमारे पास में जगह नहीं है, और ये इस देश की परंपरा रही है। अगर आप अपना रास्ता चुनना चाहते हैं दिव्य शक्ति तक पहुंचने का, तो आप अपना रास्ता चुन लीजिए। इन्होंने एक कांग्रेस की तरफ से, मैं सोचती हूं कि एक बयान आना चाहिए था, अगर उनके घटक दल ने इस तरीके का एक बड़ा बयान दिया सनातन धर्म को लेकर। अरे सनातन वो गोंद है जो हमारे इस लड्डू को चिपका करके रखता है, जो इस देश को भारत देश बना करके रखता है। हम किसी के लिए नहीं कहते कि साहब आप गलत हो, हम कहते हैं आप भी सही हो, हम भी सही हैं, आप भी आओ हमें भी शांति से जीने दो। लेकिन हमारे देश में ही आकर के हमारे ही लोग हमारे को अगर ये कह दें कि सनातन को खत्म करना है,
तो वो एक गलत बात है और इसकी मैं इस मंच के माध्यम से निंदा करना चाहती हूँ। ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, आगे भी कार्यक्रम है, यात्रा का लंबा कार्यक्रम है और आप सभी का जो मान सम्मान आप लोगों ने हमारा किया यात्रा के माध्यम से, इतनी बड़े संख्या में डीजे लेकर के आए, इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां हमारे साथ चली, रोड शो आप लोगों ने किया, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर अभी सब अपना घर का काम काज सब छोड़ करके आप लोग यहाँ विराजमान हो, बड़े बुजुर्ग हो जो इतनी शांति से हमारी इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों को एक बार पुनः विश्वास दिलाती हूँ कि परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन आप लोग लेकर के आएंगे और उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो हम जनप्रतिनिधियों की शुरू होगी और हम लोग आप लोगों के बीच में आकर के आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आज से इसको मिशन बना लीजिए, 2023 के अंदर नागौर राजनीति की धुरी है और जो आवाज यहां से उठेगी वो पूरे राजस्थान में जाएगी। और आज जो एक हिमसर से आवाज उठे, हम शाम तक जब तक ओस यहां पहुंचे उससे पहले ये आवाज पूरे राजस्थान में चली जानी चाहिए कि भाई परिवर्तन की लहर आ गई है और नागौर में और खींवसर में इस बार बीजेपी की आंधी चल रही है, आंधी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।